नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टियाटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो, आप लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड एंड मुझे, जैसे मैं बोलती हूँ हर रोज लेके आऊंगी करंट फीलिंग की वीडियो, वैसे ही मैं आप लोगों को जो प्रॉमिस किया वो तो मैं ट्राई करती हूँ ऑलवेज एंड इसको छोड़ छोड़ के भी कभी कभी दूसरे दूसरे टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगी, क्योंकि वो भी तो जरूरी है ना, सिर्फ करंट फीलिंग नहीं। मगर ठीक है, आप लोगों का ये बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, इसीलिए मैं करंट फीलिंग का वीडियो लेके आती हूँ हर रोज। तो ये ओवरऑल जो मैं करंट फीलिंग की वीडियो तो बताऊंगी, क्या है दिमाग में, क्या है एक्चुअल दिमाग में, क्या है करेंटली क्या सोच रहा है, सब बताऊंगी। साथ ही साथ बाबा की संदेश, एंजेलिक कुछ गाइडेंस, ओवरऑल एनर्जी, एनर्जी ओरेकल से भी बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे, आपको क्या एनर्जी में रहना चाहिए, कौन सा चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये भी ट्राई करूंगी एज पर कार्ड आपको बोलने के लिए। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग कोई भी जेंडर के लिए हो सकता है, ऐसा मत सोचिए कि वो आप सिर्फ लड़कियों के लिए करते हैं। ये बहुत आते हैं मेरे पास मैसेजेस, ऐसा नहीं, मैं सबके लिए करती हूँ। बोलने के टाइम में शायद ऐसा बात आ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं, ये एनर्जी पिकअप जो होता है वो सबके लिए, लड़का लड़की सबके लिए। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, अगर आप बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आप वाइफ के लिए देख रहे हो, आप किसी के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, सबके लिए रीडिंग रेजोनेट करेंगे इस मोमेंट पे, देखने के टाइम में आपके दिमाग और दिल में जो छाए हुए हैं उनके लिए आज का रीडिंग होगा। ठीक है, एंड कोई भी सिचुएशन, जैसे मैंने बोला कि आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, आपका ऐसा हो सकता है, आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, दोनों की दोनों अनमैरिड है, ऐसा हो सकता है दोनों में मैरिज की बात चल रहा है, ऐसा हो सकता है क्रश है, सबके लिए, सबके लिए जो एनर्जी है रेजोनेट करेंगे, क्योंकि ये मेन है आप जिनके बारे में इंटरेस्ट रख रहे हो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। ठीक, तो ये एक हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी कि जिनको एनर्जाइज्ड क्रिस्टल चाहिए, मैं खुद एनर्जाइज्ड करके दूंगी, एज पर योर रिक्वायरमेंट, उस वाइब्रेशन में आपका खुद एनर्जाइज्ड करके दूंगी एंड प्रॉब्लम शेयर करके भी, मेरे से सजेशन लेके भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए बोलने से भी मैं एनर्जाइज्ड करके दे सकती हूँ। तो आप जिन लोगों का रिक्वायरमेंट है मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 9087282880 उस पर मुझे संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी उसमें ही संपर्क करना, पर्सनल रीडिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग जो भी होगा उसी नंबर पे 9087282880 में ही व्हाट्सएप करना, डोंट कॉल। रीडिंग की टाइम में, सेशन की टाइम में हम लोग बात करेंगे, अगर आप कॉल या वीडियो कॉल बुक कर रहे हो तो। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपका सुनना है तो मेरी गले का आवाज सुनोगे और कोई नहीं, क्योंकि मैं ही खुद रीडिंग करके दूंगी इसमें कोई, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आया है मैम आप रीडिंग करेंगे तो, मतलब आप मुझे बुक कर रहे हो तो मैं नहीं रीडिंग करूंगी तो कौन रीडिंग करेगा, समझ में आया। तो ये जो भी होगा ये सब कंफ्यूजन से दूर रहिए, बिल्कुल कोई भी सर्विसेज चाहिए, सो मेनी सर्विसेज है। अच्छा से देखिए 9087282880 पे ही व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उल्टा पुल्टा शुल्टा जो भी होगा, उल्टा पुल्टा मतलब ये लोग इतना ज्यादा क्वांटिटी में है, इतना ज्यादा नंबर्स में है, आप किन किन की अगेंस्ट में पुलिस रिपोर्ट करोगे। मैं लाइव हुई हूँ, मैं पुलिस रिपोर्ट की हूँ, पकड़ा गया है इंसान, ऐसा के बाद भी बाकी लोग कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। इन लोगों का तो फायदा नहीं होता ना, पैसा लेके ब्लॉक कर लेगा, कितना दिन चलेगा, समझ में। अटिया टेरोटिया मैम बोल के ये कर रहे हैं, ये लोगों को एकदम सपोर्ट मत कीजिए, बार बार बोल रही हूँ, मेरे नंबर 9087282880 जिस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें।
देखते हैं बहुत सारा कार्ड, मैं गिन के नहीं लेती, ऐसे ही मुझे जो जब तक मुझे ऐसे लग रहा है गाइडेंस मिल रहा है तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ, है ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आउटसाइड फोर ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस। अब बहुत लोग है डिवाइन फेमिनाइन दिख रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द सन। वाओ क्या कार्ड आया है आज का एनर्जी। लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, दो चीज तो सामने आ रहा है, ये पर्सन मॉनिटरी कोई चीज में फंसा हुआ है, ऑफिस की प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, या कुछ मॉनिटरी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया कोई जगह, वहां पे फंसा हुआ है, कुछ मॉनिटरी चीज में फंसा हुआ एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। एंड फैमिली इशू, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है आज की एनर्जी में, ठीक है। वो जो भी हो सकता है, इनका हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप, कोई भी वर्क सिचुएशन, रिलीजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफी स्ट्रांगली दिख रहा है, इनका प्यार बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपकी तरफ, मगर थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा एक बॉन्ड है जहां पे बहुत ड्यूटी में फंसा हुआ है, ये चाहते हुए भी नहीं निकाल पा रहे वहां से, वो ये चाहते हुए भी नहीं निकाल पा रहे वहां से, शायद मतलब जस्ट फिजिकली है, मेंटली तो मुझे एक पैसा का नहीं दिख रहा है कि उधर कोई इन्वॉल्वमेंट है, मगर फिर भी वो मतलब ऑलवेज जगलिंग चलता है एंड ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए, वो आपको बिल्कुल खोना नहीं चाह रहा है, मगर ऑलवेज ट्राई करते हैं वो बैलेंस रहे। थर्ड पार्टी अगर गर्ल है, मतलब ऐसा है कि कोई इंसान है, गर्ल बॉय जो भी हो, अगर कोई इंसान है तो उनकी तरफ ना प्यार नहीं है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, जैसा होता है ना कार्मिक एक अट्रैक्शन, वो मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, कुछ प्यार नहीं, हो सकता है आप उनसे आर्गुमेंट कर देते हो, या ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, क्यों कॉल नहीं किया, क्यों मैसेज नहीं किया, या प्रीवियसली ऐसा हुआ है आपके साथ, तो उसमें ना इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल रिलेशनशिप में हो, सोलमेट पे हो, तो अल्टीमेटली आपके अंदर बहुत सारा क्रेविंग, बहुत सारा एनर्जी उनकी तरफ इतना ज्यादा दे चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं सफोकेटिंग फील किया है, एंड वो सफोकेटिंग एनर्जी से निकालने के लिए जो भी हो, कार्मिक क्या करता है, कार्मिक कोडिपेंडेंसी इसको बोला जाता है, जो भी सिचुएशन में है वो कहीं ना कहीं कम्फर्ट दे देता है उस टाइम में, एंड ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करता है ना कि एनर्जी को कट करना बहुत अच्छे जानते हैं, तुम रहो तो रहो, जाओ तो जाओ, ये जो एनर्जी है ना इसमें ये फंस जाते हैं। आप लोगों का भी तो वही होता है, यही बंदा अगर कंटिन्यूअस आके आपको पैम्परिंग करते ये करते, आपको वैल्यू नहीं होता, आपका वैल्यू इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इतना पैम्परिंग नहीं कर रहा, आपसे भाग रहा है या आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये ही आप इनका कार्मिक भी इनके साथ करते हैं, समझ में आया, कार्मिक सिचुएशन जो भी हो ये करते हैं, एटीट्यूड लेके रहना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो भागो, जरूरत नहीं है, ये जो सिचुएशन में ये लोग एनर्जेटिकल वैक्यूम क्रिएट करना बहुत जानते हैं, ये फंस जाते हैं, समझ में आया। ये जगह मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ऐसा नहीं ये बंदा बुद्धू है, ये बंदा काफी इंटेलिजेंट है, मैनिपुलेटिंग भी है, सब है, मगर सिचुएशन के मारे हालत बिगड़ के रखा है, ठीक है, दुखी है, ये दुखी है, ऐसा नहीं है खुश है,
थर्ड पार्टी और सिचुएशन जो भी है, फैमिली इशू है, कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन भी फेस कर रहा है, ये दुखी है, काफी इमोशनल डिसबैलेंस दिख रहा है आपके लिए, काफी इमोशनल इम्बैलेंस है आपके लिए, इनको लग रहा है कोई रास्ता नहीं। इमीडिएटली जो एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स का, ये देख के पता चलता है, देखिए फाइव ऑफ कप्स जैसे मैं बोलती हूँ सामने तीन कप जो गिरा है उसकी तरफ ही दिख रहा है, पीछे जो दो कप अभी भी खड़ा है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रिवर है, हाउ टू क्रॉस नहीं हो सकता दुखी, मगर देखिए दूर में ब्रिज है मगर उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा है, समझ में आया, मतलब ये रास्ता नहीं निकाल पा रहा है, ये जो एनर्जी में है इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे ये चीज को क्रॉस करूं। अगर है रास्ता, ये चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, समझ में आया। फैमिली इशू इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत फैमिली कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दिख रहा है ये पर्सन का, और कहीं ना कहीं फैमिली को ऑलवेज पैसा से इसमें खुश रखना चाहते हैं ये, मगर साथ ही साथ जब वो अपने लिए सोचते हैं आप एक इनके लिए इम्प्रेस की तरह हो, क्वीन की तरह हो, या अपोजिट के लिए होगा तो किंग की तरह होगा जो आके एकदम हील कर सकते हैं। इनको लगता है आपकी ऑरा, आपका प्रेजेंस, आपसे बात इनको हील कर देते हैं, वो सब कुछ डाउन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये फोन पे बात झगड़ा कर लेंगे, मैसेज में झगड़ा कर लेंगे, मगर आमने सामने आके कभी कभी इतना झगड़ा नहीं कर पाएंगे, ये एनर्जी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ मतलब आपके लिए बने हैं, इस टाइप का एनर्जी उनको भी पता चलता है, मगर वो ऑफर करना भी चाहते हैं, करेंगे भी। सन कार्ड है, सन कार्ड ऑलवेज, और सन कार्ड के बाद बाकी कार्ड का यही कम हो जाता है, क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव कार्ड मैरिज, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, वो फैमिली में इंक्लूड करना भी चाहते हैं, मगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो क्या करें, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ में आया। ये एनर्जी में एक्चुअली है, बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, इस मोमेंट की एनर्जी जो दिख रहा है वो बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, मगर वो क्या करे की एनर्जी में इस मोमेंट पे फंसा हुआ है। आप भी काफी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस में हो, आपको आपके अंदर भी जागलिंग है, रहना चाहिए या आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ये थोड़ा एनर्जी है, और कितना मैं करूँ ये एनर्जी आपके लिए दिख रहा है, मगर आप फिर भी वेट कर रहे हो, आप कुछ भी बोलो कुछ भी करो वेट तो कर रहे हो, तभी आप रीडिंग भी देख रहे हो, नहीं तो रीडिंग नहीं देखते, राइट। तो ये जगह तो है ही आपके लिए एक एनर्जी, मुझे जितना पिकअप हो रहा है ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आए, वो नौकरी हो सकता है जो बिजनेस करते हैं उनके लिए हो सकता है, एनी हाउ कोई प्रमोशन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या कोई करियर वाइज कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाले है अगले 6 to 8 days के अंदर, ठीक है, ये मुझे जैसे फील हुआ मैं वो बोल रही हूँ। इनका जो ये एक चीज है कि एक डिप्रेशन, इसे ही निकाल जाएंगे, वो भी ऐसा 8 to 10 days के अंदर धीरे धीरे निकलेंगे इस मोमेंट की एनर्जी में, मगर आप दोनों में एक मैरिज एनर्जी दिख रहा है 4 of Wands, एंड वो चाहते हैं, मेन है वो बांधा हुआ है, मगर वो एक साथ रहना मैरिज करना चाहते हैं, समझ में, वो नहीं होता है तो फिर ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये बात है, मगर वहां पे जब आपके सामने रूबरू होते हैं ना तब जाके खुद को पहचानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, तब जाके उसका भागना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, वो ज्यादा भागते हैं, उनका इनको लगता है कि नहीं मुझसे मतलब इन सबसे भाग जाओ, मगर वो एक्चुअली आपको ऑफर करेंगे, मगर इस जगह में एक जगह में क्या करूं की एनर्जी में है, समझ में आया। अभी देखते हैं इनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। जोड टू वैल्यू, आपको खोने का डर इनके अंदर ये पैदा किया है, आपके आपका जो वैल्यू है इनको समझ में आया है, आपको खोने का डर ही इनको ये समझ में आया है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। 31, 3+1, 4 कम्युनिटी, अभी भी वो फैमिली ये सब में तो फंसा हुआ है ही, मैंने बोला ना फैमिली में फंसा हुआ इनसे। नंबर 7 द टेम्पल पथ, धीरे धीरे एक चेंज आने वाला है, क्योंकि उनको एक डिप्रेशन भी कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेस्ड है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये डिप्रेस्ड है, समझ में आया। ये डिप्रेस्ड एनर्जी इनकी अवेकनिंग की रास्ता को भी खोल सकता है। तो 12th नंबर 2+1, 3, ठीक है,
2+1 3 नंबर दिख रहा है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये मैं तो बोला ही, ये तो है ही, एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर से ये जा रहा है। अगेन 13 नंबर, 3+1 4 31 13, दो अपोजिट नंबर आया है। दिस इज ऑल्सो, मैं बोला ना ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत लोगों के लिए है जो देख रहे हो। डू प्रॉपर इनर वर्क विदाउट बैलेंस कभी ट्विन फ्लेम में प्रॉपर रियूनियन नहीं होता। आता है फिर जाते हैं, फिर शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम होता है। मेरे कोचिंग में ऐसा बहुत लोग आते हैं ऑलरेडी मैरिड, ट्विन फ्लेम ऐसे भी अरेंज हो गया है, या दो दिन प्यार करके ऐसा बंधन है वो तो गया, उसके बाद प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा बहुत लोग है उसके बाद प्रॉपर इनर वर्क करके कितना अच्छा भी खुश रह रहा है, मगर वो इनर वर्क मस्ट। ठीक है, एंजल ऑफ लव, हाँ सच में वो आप उनके लिए एक एंजल ऑफ लव हो। एंजल्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक बात सही है, वो जो भी सिचुएशन भोग रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए ये कर्मा एक कार्मिक सिचुएशन भी क्रॉस कर रहा है। 49 नंबर, 4+9 13 13 3+1 4 अगेन 4 4 4 4 एंड केयरिंग कनेक्शन, ये सच में केयरिंग कनेक्शन फील कर रहा है आपके साथ, जो बहुत जरूरी था। यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं इनको पुश किया गया, आप लोगों का सिचुएशन को क्रिएट किया गया है जिसपे ये आपका सच में, आप जो इतना इनके पीछे पड़ते थे या आपके अंदर इतना दूर कहीं ना कहीं वैल्यू ये समझ में नहीं आता था, जो आज इनका बहुत ज्यादा वैल्यू समझ में आ रहा है। द थिंकिंग वुमन, 47 4+7 11 11 1+1 2। सो द थिंग इज, ये आप भी काफी डीपली सोच रहे हो, मैं तो चैरल डेक से भी बोल रही थी, आपके अंदर भी है कब आएगा क्या होगा, एक दर्द तो है ही, मगर थोड़ा सा शांत रहिए, प्रॉपरली बैलेंस हो जाइए, ये बिल्कुल आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि ये इनका अभी जो सिचुएशन चला है क्या करूं, इसके बाद ही जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे जाएंगे एंड एंजेलिक ब्लेसिंग पाएंगे, ये होगा जिसके लिए ये प्रॉपरली आपके पास आएंगे। ठीक है, देखते हैं बाबा की संदेश क्या है, देखते हैं बाबा की संदेश क्या है आपके लिए, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, कर्म कार्य कारण भाव है सजा नहीं। जो भी सिचुएशन चल रहा है वो एक भाव है, वो एक सिचुएशन है, वो कभी सजा नहीं है, वो कर्मा को क्लियर करने के लिए ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, बाबा का भी संदेश है। मुझे भी एनर्जेटिकली लग रहा था, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, जरूरत पड़े चैंटिंग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सरेंडर टू गॉड हो जाइए, ये सब एनर्जी को ठीक करने के लिए प्रॉपरली खुद के अंदर का ब्लॉक क्लियर कीजिए। बस मेडिटेशन में बैठ गई या सो गई या कुछ दूसरा कुछ सोच रही हो, मेडिटेशन नहीं होता है। ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए प्रॉपरली खुद के माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उस एनर्जी में आइए, बहुत खुश रहिए, बार बार बोल रही हूँ खुश रहिए, खुशी खुश इंसान के पास, आनंद के पास, हैप्पीनेस के पास सब जाना चाहते हैं। आप अगर कोई खाली रो रहा है और इस पर्सन के पास जाने का इच्छा होता है, आपको इच्छा नहीं होता ना, जो मजेदार बात करते हैं, जो एंटरटेनमेंट देता है, आपको लगता है ना कि उनके पास जाके बैठे बात करें, तो खुद भी वो खुशी के आधार बनिए जिसमें हर लोग अट्रैक्ट होंगे। आपकी पर्सन तो होगा ही, वो तो आपका ही है ना। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सर्विसेज के बारे में तो पहले ही मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो फिर फर्स्ट में जाइए, देखिए कि सर्विस 9087282880 ये व्हाट्सएप नंबर पे अब मैसेज व्हाट्सएप कीजिए, बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा एंड मतलब डिटेल्स दिया जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए ही आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बांधा रहता है। फिर फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश, क्या रीडिंग चाहिए या कोई विश हो बिल्कुल बोलिए। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है फुलफिल हो जाए। और मैं जैसे बोली हूँ, ये जो 77 पोर्टल ओपन हुआ है, अभी 88 पोर्टल आने वाले हैं, 99, ये टाइम एनर्जेटिकली ऐसा है ना, प्रॉपर प्रेयर, प्रॉपर इनर वर्क आपको काफी हीलिंग, यस इस टाइम का हीलिंग काफी एनर्जी को चेंज कर देगा। ठीक है, सो एनी हाउ, अगर आप लोग रेकी हीलिंग जानते हो तो सेल्फ हीलिंग कीजिए बार बार। ओ याद आया कि ऐसा मेरा भी रेकी हीलिंग का फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री की कोर्स आने वाला है, बुकिंग गोइंग ऑन।
जिन जो जो भी इंटरेस्टेड है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज प्रॉपर इनर वर्क कीजिए, प्रॉपर इनर वर्क में ही आप बैलेंस होके जो भी आपका गोल है अचीव कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी मैं कर रही हूँ किस चीज के लिए, पीस के लिए, खुशी के लिए, खुश होएंगे आपके अंदर ये दर्द से आप निकाल जाएंगे, ठीक है ना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, एंड इसमें न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेगी।